Hello students, welcome to my channel. In this channel, I will teach the chemistry and maths in simplest way. Today's our topic is reactivity and selectivity of chlorine and bromine in halogenation of alkenes. ये रिएक्शन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्यूरिंग हैलोजिनेशन ऑफ अल्किन्स क्लोरीन एंड ब्रोमीन हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन एटम्स में से कौन से कार्बन एटम्स पे अटैच करेंगे. तो ये पूरा डिस्कशन हम आज करने वाले हैं रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन. नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन. हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. दिस रिएक्शन ऑकर्स बाय यूजिंग फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म. तो हैलोजिनेशन ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट हैलोजन्स कैन बी ब्रेक एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स. फर्स्ट एग्जांपल लेते CH4. CH4 इज द मीथेन. क्लोरीन रिएक्ट विथ अल्केन्स दैट इज मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट्स और हीटिंग अबाउट 573 केल्विन टू 773 केल्विन टेम्परेचर्स. तो यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा एंड Cl कैन बी अटैच दैट इज फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl प्लस HCl. दिस मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. तो हम ये रिएक्शन की मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज फर्स्ट स्टेप है चेन इनिशिएशन स्टेप. इन चेन इनिशिएशन स्टेप क्लोरीन मॉलिक्यूल एब्स्ट्रैक्ट हीट एनर्जी एंड Cl-Cl बॉन्ड इज ब्रेक होमोलिटिकली टू फॉर्म अ फ्री रेडिकल्स. दैट इज दिस Cl-Cl बॉन्ड कैन बी ब्रेक होमोलिटिकली. दिस बॉन्ड इज ब्रेक होमोलिटिकली टू फॉर्म Cl डॉट एंड Cl डॉट. इट इंडिकेट्स द फ्री रेडिकल्स दैट इज Cl डॉट इट कैन बी फॉर्म द फ्री रेडिकल्स. Cl-Cl बॉन्ड बींग वीकर देन CH बॉन्ड हेंस इट ब्रेक इजिली. Now in second step is the chain propagation step. In second step, this chlorine free radical is very reactive and abstract hydrogen atom from methane that is H, C, H, H and H. This chlorine free radical is very reactive. It abstract hydrogen atom from methane and formation of a methyl free radical plus HCl. It can form the methyl free radical. Now, next step में क्या होगा? This methyl free radical is attack on chlorine molecules. This methyl free radicals is attack on chlorine molecules to give methyl chloride. ये यहाँ पे abstract करेगा chlorine and formation of a chlorine free radicals and methyl chloride can be formed. That is free radical then cycle back to in the step first. That is step first and step second are repeated many times and these two steps when added together to give a overall reactions. Now in methane this reaction is very clear and simple because yahan pe only one type of free radicals formation ho raha hai. Lekin ye reaction agar hum propane mein dekhenge, suppose second एग्जाम्पल लेते हैं हम प्रोपेन में. तो प्रोपेन व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरीन, अगर प्रोपेन के साथ में ये रिएक्शन करेंगे तो इट कैन फॉर्म अ टू प्रोडक्ट्स. तो टू प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होंगे. फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा फॉर्मेशन होगा, यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा एंड Cl अटैच हो जाएगा दैट इज CH3CH2CH2Cl प्लस HCl दैट इज 1 chloro प्रोपेन फॉर्मेशन होगा. एंड सेकेंड प्रोडक्ट इज यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा एंड Cl अटैच हो जाएगा दैट इज CH3CH Cl CH3 प्लस HCl दैट इज 2 chloro प्रोपेन फॉर्मेशन हो जाएगा. तो आउट ऑफ दिस टू प्रोडक्ट्स विच इज द मेजर प्रोडक्ट्स, तो 1 chloro प्रोपेन हैविंग 45% एंड 2-chloropropane having 55%. That is 2-chloropropane is the major products and 1-chloropropane is the minor products. तो ये decide कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, first mechanism formation करते. तो first mechanism में step क्या है, first initiation step to formation of Cl-Cl. Free radicals formation होंगे Cl dot plus Cl dot. These two free radicals can be formed. Second step में क्या किया था, फ्री रेडिकल्स कैन बी अटैक ऑन
propan, CH3, CH2 and then CH3. तो ये प्रोपेन पे से क्या करेंगे, टू हाइड्रोजन एटम्स रिमूव होंगे. फर्स्ट यहां से रिमूव होगा तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन करेगा, एंड सेकेंड टाइम क्या करेंगे हम, सेकेंड पोजिशन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो वो 2 डिग्री फॉर्मेशन होगा. तो यहां से देखो 2 फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन होंगे. फर्स्ट फ्री रेडिकल होगा CH2 डॉट CH2 एंड देन CH3, इट इज ए 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स. सेकेंड क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, दैट इज CH3 CH डॉट एंड देन CH3. दिस फ्री रेडिकल इज ए सेकेंडरी फ्री रेडिकल. तो प्रोपेन के पास 2 ऑप्शन है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स एंड सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स, दैट इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स. तो क्लोरीन क्या करेगा, फर्स्ट 1 डिग्री पे जाएगा एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस 1 क्लोरो प्रोपेन. अगेन दिस क्लोरीन कैन बी अटैच ऑन सेकेंड कार्बन एटम्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अ 2 डिग्री कार्बन एटम्स. तो ये प्रोडक्ट्स में से हमने क्या किया, 55% दैट इज 2-chloro-propane इज द मेजर प्रोडक्ट्स. तो फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, तो फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी हम किससे डिसाइड करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड करेंगे. फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी डिपेंड होती है हाइपर कॉन्जुगेशन. हाइपर कॉन्जुगेशन मीन्स नो बॉन्ड रेजोनेंस. तो फ्री रेडिकल्स के एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे जो हाइड्रोजन एटम है, दिस हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड एज अ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स. फ्री रेडिकल के एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज अ अल्फा हाइड्रोजन. एंड जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, उतनी फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी. तो फ्री रेडिकल्स के अभी प्राइमरी फ्री रेडिकल्स के एडजेसेंट पोजिशन पे कितने का हाइड्रोजन एटम है, इट कंटेन 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स. इन प्राइमरी फ्री रेडिकल्स इट कंटेन 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स. एंड सेकेंडरी कार्बन एटम्स के एडजेसेंट पोजिशन पे 1 कार्बन एटम, उसके पास 3, और ये सेकेंड कार्बन एटम उसके पास अगेन 3, दैट इज 6 अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट. तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, उतनी उस फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी हाईएस्ट होगी. तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, हेंस सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स इज मोस्ट स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल्स. हेंस दिस कंपाउंड इज द मेजर कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड इज द माइनर कंपाउंड. ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, दिस प्रोडक्ट इज अ मेजर एंड दिस प्रोडक्ट इज ए माइनर इन टू द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स. तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स के लिए क्या करेंगे हम, टर्शरी फ्री रेडिकल्स इज ग्रेटर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी फ्री रेडिकल्स. तो इसके लिए हम समरी कह लेंगे यहाँ पे, दैट इज मोर इज द अल्फा हाइड्रोजन एटम, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, दैट इज टर्शरी फ्री रेडिकल्स इज ग्रेटर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी फ्री रेडिकल्स. नाउ यहाँ पे देखो टर्शरी फ्री रेडिकल्स है, तो टर्शरी फ्री रेडिकल्स के एडजेसेंट पोजिशन पे कितने हाइड्रोजन एटम्स है, 3, 6 एंड 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स. नाउ सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स पे यहाँ पे 3+3, 6, दैट इज 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स. यहाँ पे ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम अटैच, इसलिए टर्शरी फ्री रेडिकल्स ग्रेटर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी फ्री रेडिकल्स. हेंस दिस क्लोरीन कैन बी अटैक ऑन सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अ मेजर कंपाउंड. नाउ सेम रिएक्शन हम ब्रोमीन एंड फ्लोरीन के साथ में लेते, दैट इज प्रोपेन व्हेन रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. इन ब्रोमिनेशन देर इज अ हाई डिग्री ऑफ सिलेक्टिविटी एज द हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस. ब्रोमीन ऑलवेज हाई डिग्री ऑफ सिलेक्टिविटी चूज करता है, दैट इज CH3, यहां से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा, Br अटैच CH Br एंड देन CH3 प्लस सेकेंड मॉलिक्यूल क्या फॉर्मेशन होगा, सेकेंड प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 एंड देन Br, दैट इज 1-bromo-propane एंड 2-bromo-propane. तो आउट ऑफ दिस 2 प्रोडक्ट्स, 2-bromo-propane इज द मेजर प्रोडक्ट्स बिकॉज ब्रोमीन कैन सिलेक्ट द हाई डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स. तो ये 2 डिग्री वाला कार्बन एटम है, तो ब्रोमीन क्या करेगा, डायरेक्टली 2 डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स पे अटैच होगा एंड दिस कंपाउंड इज द मेजर. फ्लोरिनेशन इज टू फास्ट एंड एक्सप्लोजिव. तो फ्लोरिनेशन में भी यहाँ पे 2 कंपाउंड्स फॉर्मेशन होंगे. फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म होगा CH3 CH2 CH2 एंड देन फ्लोरिन, 1-fluoro-propane. फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगा,
वन डिग्री, देन सेकंड हाइड्रोजन रिमूव, सेकंड कार्बन एटम पे से हाइड्रोजन रिमूव होगा और फ्लोरीन अटैच हो जाएगा, दैट इज CH3CHF एंड देन CHD, ये टू प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होंगे. तो आउट ऑफ दिस टू प्रोडक्ट्स वन फ्लोरो प्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट्स एंड टू फ्लोरो प्रोपेन इज द माइनर प्रोडक्ट्स. फ्लोरीन के केस में वन डिग्री इज द मेजर देन टू डिग्री बिकॉज फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एंड लिस्ट सिलेक्टिव. ये सिलेक्टिविटी नहीं चूज करता, ये डायरेक्टली क्या करेगा, जिस कार्बन पे से हाइड्रोजन रिमूव होगा वही कार्बन पे क्या अटैच हो जाएगा, फ्लोरीन अटैच होगा, हेंस इट इज अ मोर रिएक्टिव एंड लिस्ट सिलेक्टिव. तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरिंग फ्लोरिनेशन वन डिग्री इज ग्रेटर देन टू डिग्री देन थर्ड डिग्री, बट इन क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन थ्री डिग्री ग्रेटर देन टू डिग्री देन वन डिग्री. दैट इज हम ये रिएक्शन पे से समरी क्या निकालेंगे. देखो रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन देन ब्रोमीन एंड आयोडीन. फ्लोरिनेशन रिएक्शन इज टू फास्ट एंड एक्सप्लोजिव, आयोडिनेशन रिएक्शन इज स्लो एंड रिएक्टिविटी. तो फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एंड लेस सिलेक्टिव, वो डायरेक्टली जिस कार्बन पे से हाइड्रोजन रिमूव होगा उस पोजीशन पे डायरेक्टली फ्लोरीन अटैच हो जाएगा. फ्लोरीन वेट नहीं करेगा कि सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन एटम्स पे से हाइड्रोजन रिमूव होगा फिर वो अटैच होगा, वो डायरेक्टली प्राइमरी पे भी अटैच हो जाएगा, दैट इज मोर रिएक्टिव एंड लिस्ट सिलेक्टिव. ब्रोमीन एंड आयोडीन, आयोडिनेशन रिएक्शन तो स्लो है लेकिन इट इज अ लेस रिएक्टिव एंड मोर सिलेक्टिव, ये डायरेक्टली किस पे जाएंगे, टर्शियरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी पे जाएंगे. एंड क्लोरीन इज द इंटरमीडिएट बिटवीन फ्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसकी इंटरमीडिएट. ये डिसाइड किससे करेंगे हम, डिसाइड बाय यूजिंग द सिलेक्टिविटी रेशियो. हम वन मोर एग्जांपल लेते क्लोरीन के लिए, उसका डाउट क्लियर करते कि सिलेक्टिविटी रेशियो क्या है एंड कौन से कार्बन एटम्स पे वो अटैच होगा. तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये टर्शरी ब्यूटेन है, इट इज द टर्शरी ब्यूटेन. दिस टर्शरी ब्यूटेन कैन रिएक्ट विथ फ्लोरीन. हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते हैं इसका, डायरेक्टली मेजर प्रोडक्ट्स लिखते. टर्शरी ब्यूटेन है रिएक्ट विथ फ्लोरीन, फ्लोरीन इज द लेस सिलेक्टिव एंड मोर रिएक्टिव, तो प्राइमरी पे डायरेक्टली अटैच होगा, दैट इज CH3CH CH3CH2 and F. इट कैन नॉट डिसाइड द स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं करेगा, मोर रिएक्टिव है तो डायरेक्टली प्राइमरी पे अटैच हो जाएगा. नाउ इन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर सिलेक्टिव, दैट इज हाई डिग्री ऑफ सिलेक्टिविटी. तो हाई डिग्री ऑफ सिलेक्टिविटी में ये क्या आ जाएगा, प्राइमरी प्राइमरी एंड दिस वन इज ऑल्सो प्राइमरी एंड दिस कार्बन आइटम इज द टर्शरी. तो ब्रोमीन किस कहां पे अटैच होगा, टर्शरी कार्बन आइटम्स पे, दैट इज मेजर प्रोडक्ट इज द CH3 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 and Br प्लस HBr, यहाँ पे प्लस HF, दैट इज ब्रोमीन कैन हाई डिग्री ऑफ सिलेक्टिविटी एंड फ्लोरीन इज द मोर रिएक्टिव. यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, टर्शरी फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन होगा एंड टर्शरी फ्री रेडिकल्स में यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो इट इज वेरी स्टेबल फ्री रेडिकल्स. यहाँ पे प्राइमरी है ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स. देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन होगा, फ्री रेडिकल्स के जो एडजेसेंट कार्बन आइटम है उस पे जितने हाइड्रोजन आइटम्स प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड एज अ अल्फा हाइड्रोजन, ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन है. तो फ्लोरीन के लिए 1 डिग्री इज द मोर स्टेबल. बट इन क्लोरीन, हम क्लोरीन का डाउट क्लियर करते, तो क्लोरीन के रिएक्शन में देखो, दिस टर्शरी ब्यूटेन व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे हम टू कंपाउंड्स फॉर्मेशन कर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के केस में टू प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन करते. तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो CH3 CH CH3 CH2 and Cl. फर्स्ट कार्बन पे हमने क्लोरीन को अटैच किया है, दैट इज 1 डिग्री फॉर्मेशन होगा. प्लस सेकंड प्रोडक्ट क्या होगा, ये टर्शरी है तो टर्शरी पे से हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे एंड Cl अटैच करेंगे, दैट इज CH3 C Cl CH3 and then CH3. ये आ गया 1 chloro 2 methyl propan एंड दिस वन इज अ 2 chloro 2 methyl
प्रॉपर. तो आउट ऑफ दिस टू प्रोडक्ट्स विच इज द मेजर प्रोडक्ट्स, तो हमें कहा गया है कि टर्शरी फ्री रेडिकल्स ग्रेटर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, हेंस दिस कंपाउंड इज ए मेजर प्रोडक्ट्स. बट इट इज नॉट अ मेजर प्रोडक्ट्स, इट इज द माइनर प्रोडक्ट्स विथ 36% एंड 1 degree इज द मेजर प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग द 64%. नाउ आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम आपने अभी बोला कि टर्शरी फ्री रेडिकल्स मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी फ्री रेडिकल्स, बट मैंने अभी यहां पे कहा कि क्लोरीन इज अ इंटरमीडिएट बिटवीन फ्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन. इट कैन बी डिसाइड बाय यूजिंग दिस सिलेक्टिविटी रेशियो. तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो इट कैन बी डिसाइड बाय दिस सिलेक्टिविटी रेशियो. तो सिलेक्टिविटी रेशियो क्या है, सिलेक्टिविटी रेशियो फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी के लिए सिलेक्टिविटी रेशियो है 1, सेकेंडरी के लिए 3.8 एंड टर्शरी के लिए सिलेक्टिविटी रेशियो है 5. फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रपोर्शन फाइंड आउट करेंगे एंड देन परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे. तो प्रपोर्शन लेते हैं हम, ये एग्जाम्पल का प्रपोर्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए. देखो प्रपोर्शन ऑफ फर्स्ट टर्म, टर्शरी का फाइंड आउट करते प्रपोर्शन ऑफ टर्शरी. तो प्रपोर्शन ऑफ टर्शरी का सिलेक्टिविटी रेशियो क्या है, 5 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने. टर्शरी के लिए सिलेक्टिविटी रेशियो 5 एंड टर्शरी कार्बन एटम्स के पास कितने हाइड्रोजन एटम है, ओनली 1 हाइड्रोजन एटम, दैट इज 1 हाइड्रोजन. तो 5 इंटू 1 दैट इज 5. प्रपोर्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी तो यहां पे नहीं है इसलिए हम डायरेक्टली प्राइमरी के लिए प्रपोर्शन कितना है, यहां पे सिलेक्टिविटी रेशियो कितना है 1 है, इंटू प्राइमरी कार्बन एटम्स कितने यहां पे, ये 1 degree और प्राइमरी. तो प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स कितने यहां पे, 3, 3, 6 एंड 3, 9. तो इंटू क्या करेंगे हम, 9 हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू 9 लेंगे. तो प्रपोर्शन ऑफ टर्शियरी आ गया 5 एंड प्राइमरी आ गया 9. तो हम क्या करेंगे यहां पे परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज ऑफ टर्शियरी, टर्शियरी कार्बन एटम्स का परसेंटेज. टर्शियरी के लिए हमने अभी प्रपोर्शन क्या फाइंड आउट किया है, 5 डिवाइडेड बाय टोटल प्रपोर्शन. तो टोटल प्रपोर्शन मीन्स क्या होगा, यहां पे 5 + 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14 इज द टोटल प्रपोर्शन, दैट इज 5 / 14 इंटू परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं, हेंस क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा, नियर अबाउट आएगा 36%. नाउ परसेंटेज ऑफ प्राइमरी फाइंड आउट, प्राइमरी के लिए प्रपोर्शन क्या है, 9 डिवाइडेड बाय टोटल प्रपोर्शन कितना है, 14 मल्टीप्लाई बाय 100. अगर ये 36 है तो डायरेक्टली सेकेंड क्या आ जाएगा, नियर अबाउट 64%. हेंस यहाँ पे जो टू प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, सो वन इज द 64%, प्राइमरी का 64% है एंड टर्शरी के लिए कितना है 36%. हेंस दिस कंपाउंड इज अ मेजर प्रोडक्ट एंड दिस कंपाउंड इज अ माइनर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दिस सिलेक्टिविटी रेशियो. क्लोरीन के लिए क्या यूज करेंगे हम, क्लोरीन के लिए ऑलवेज सिलेक्टिविटी रेशियो यूज करना है. फ्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन के लिए सिलेक्टिविटी रेशियो का कोई मतलब नहीं है, इट डायरेक्टली अटैच ऑन हाई डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स ब्रोमीन एंड आयोडीन. बट फ्लोरीन के लिए 1 degree, वो सिलेक्टिविटी नहीं देखता है, डायरेक्टली अटैच ऑन दैट कार्बन एटम विच कंटेन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इजिली. तो अभी अपना फर्स्ट एग्जाम्पल जो था प्रोपेन का, उसका सिलेक्टिविटी रेशियो से हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं. तो फर्स्ट हमने लिया था प्रोपेन के लिए, 45% एंड सेकंड जो मेजर कंपाउंड था उसके लिए क्या लिया था, 55%. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्टिविटी रेशियो फाइंड आउट करते. तो यहां पे 1 degree कार्बन एटम है एंड 2 degree कार्बन एटम है. 1 degree के लिए सिलेक्टिविटी रेशियो कितना है 1 एंड 2 degree के लिए सिलेक्टिविटी रेशियो कितना है 3.8 है. तो हम उसके लिए फाइंड आउट करते. तो देखो फर्स्ट फाइंड आउट द प्रपोर्शन, पहले हम उसका प्रपोर्शन फाइंड आउट करेंगे. तो प्रपोर्शन के लिए क्या करते हैं हम, प्रपोर्शन के लिए प्रपोर्शन ऑफ फर्स्ट हम 1 degree का फाइंड आउट करते. तो 1 degree के लिए कार्बन एटम्स कितने यहां पे, 1 degree, दिस ऑल्सो 1 degree. तो 1 degree के लिए कार्बन एटम 6 हाइड्रोजन एटम, दैट इज 6 उसका प्रपोर्शन.
प्रपोर्शन ऑफ क्या लेते हैं सेकेंडरी, यहाँ पे टर्शरी कार्बन एटम्स नहीं है तो इसलिए क्या लेते हैं डायरेक्टली सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के लिए प्रपोर्शन सिलेक्टिविटी रेशियो क्या है 3.8 इंटू सेकेंडरी कार्बन एटम्स के पास कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पे क्या लेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 3.8 इंटू 2 इट इज द 7.6 ये प्रपोर्शन आ गया। तो इन दोनों की हम एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा टोटल प्रपोर्शन दैट इज 13.6 इज द टोटल प्रपोर्शन। तो हम अभी क्या फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज ऑफ प्राइमरी। परसेंटेज ऑफ प्राइमरी के लिए क्या लेते हैं हम प्रपोर्शन डिवाइडेड बाय टोटल प्रपोर्शन 13.6 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर ये हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 45% प्रपोर्शन ऑफ सेकेंडरी कैलकुलेट कर कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी कार्बन एटम्स। तो सेकेंडरी के लिए 0.6 टोटल प्रपोर्शन है 13.6 इंटू 100। अगर ये कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा डायरेक्टली 55%। तो ये 45% एंड दिस वन इज अ 55%। हेंस दिस कंपाउंड 45% जो कंपाउंड है दिस कंपाउंड इज ए माइनर प्रोडक्ट एंड 55% वाला जो कंपाउंड है दिस कंपाउंड इज द मेजर। यही एक सही तरीका है क्लोरीन का मेजर प्रोडक्ट्स फाइंड करने का अकॉर्डिंग टू दिस सिलेक्टिविटी रेशियो। सिलेक्टिविटी रेशियो के बेसिस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन एटम है 2 डिग्री कार्बन एटम है एंड 3 डिग्री कार्बन एटम है तो विच इज द मेजर प्रोडक्ट्स। ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो यू अंडरस्टैंड द सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन फ्रॉम दिस समरी। देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।